ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मण धर्म जो ओरिजिनल शब्द है उसका प्रचार करने के लिए ब्राह्मण धर्म के नाम पर क्या दिक्कत आती है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर करें तो हम लोग संख्या में 3.5% में निपट जाएंगे और 3.5% वोट के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच चुनवाकर नहीं लाया जा सकता, सरपंच नहीं बनाया जा सकता, तो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे। इसलिए बहुसंख्यक लोगों का, ज्ञानी लोगों का इस्तेमाल करने के लिए ब्राह्मणों ने पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। जब हिंदू के बारे में लोग जागृत होने लगे तो फिर सनातन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आजकल वो सनातन शब्द का उपयोग करते हैं, मगर सनातन शब्द जो है ये बुद्धिज्म का शब्द है। और सनातन क्या है? वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैध से वैर शांत होता है। मगर ब्राह्मण धर्म तो वैरत्व पर खड़ा है। वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच है, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच है, अस्पृश्यता में ऊंच नीच है, आदिवासियों के सेग्रीगेशन में ऊंच नीच है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग ओबीसी पर थोपा जाना ऊंच नीच है, और महिलाओं को दास बनाना ऊंच नीच है। तो ये सारा का सारा वैरत्व पर खड़ा है। ब्राह्मण धर्म जो है वो वैर पर खड़ा है। तो अगर वैर पर खड़ा है तो वैर पर खड़े हुए धर्म को सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण धर्मी फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो अपने वैरत्व को मानने वाले धर्म को सनातन धर्म में छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसकी मूल वजह यह है कि इस देश में बहुसंख्यक लोगों को वोट का अधिकार मिला, और जिनको बहुसंख्यक लोगों को वोट का अधिकार मिला, अगर उनके सामने ब्राह्मण धर्म शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो फिर ब्राह्मण लोग 3.5% वोटों के आधार पर अलग से निपट जाएंगे, जिसके आधार पर यहाँ के बहुसंख्यक लोगों पर उनको नियंत्रण करना और उन पर अपना राज स्थापित करना, उन पर अपना वर्चस्व थोपना संभव नहीं होगा। इसलिए ये सारा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आजकल जो ब्राह्मण धर्मी लोग हैं वो लोग पहले ब्राह्मण धर्म का प्रचार हिंदू धर्म के नाम पर करते थे, मगर जब हिंदू शब्द के बारे में विवाद होने लगा और ये जानकारी सामने आई कि दयानंद सरस्वती के द्वारा ये बताया गया कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, जब इस बात का प्रचार होने लगा और जब ये जानकारी फैलने लगी तो ब्राह्मणों को लगा कि अपने धर्म का नाम हिंदू धर्म के नाम पर करना गुंगराम हो सकता है, अपने विरोध में जा सकता है। इसलिए ब्राह्मण धर्मी लोगों ने अपने धर्म का नाम बदलकर आजकल सनातन धर्म कहना शुरू कर दिया। जब हमने इसके बारे में छानबीन करना शुरू किया तो पता चला कि जो सनातन शब्द है वो ब्राह्मण धर्मी शब्द नहीं है बल्कि बुद्धिज्म का शब्द है। यमक वग्ग में जो पाली एंड बुद्धिज्म का यमक वग्ग है उसमें बुद्ध का वचन है, एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? तो बुद्ध ने कहा वैर से वैर समाप्त नहीं होता, अवैर से वैर समाप्त होता है, यह सनातन धर्म। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण धर्मी लोगों ने सनातन शब्द भी बुद्धिज्म से चुराने का काम किया। ब्राह्मण धर्मी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लोग अपने मूल धर्म जो ब्राह्मण धर्म है उसका प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर करने में उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? ब्राह्मण लोग अपने ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण धर्म के नाम पर पहले प्रचार करते थे और उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी, मगर जब से देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला तो देश के तमाम बहुसंख्यक जिनको ब्राह्मण धर्मी लोगों ने शूद्र बनाया था उन 52% लोगों को वोट का अधिकार मिला, और जिन लोगों को ब्राह्मण धर्मी लोग अछूत कहते थे, अछूत मानते थे, उन लोगों को भी वोट का अधिकार मिला। तो जिनको वो शूद्र कहते थे उनकी संख्या देश में 52% है, और जिनको वो अछूत कहते थे उनकी संख्या आजकल 15-20% है, और जिनको आदिवासी कहा जाता है उनकी संख्या भी 7-8% है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 74.5% होता है जो ब्राह्मण धर्मी नहीं है और ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मण धर्म के विरोधी लोग है। तो ब्राह्मण धर्मी लोगों को ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों को उनका अधिकार मिला, 21 साल के होने के आधार पर वोट का अधिकार मिला, यदि हम लोग ब्राह्मण धर्म का प्रचार हिंदू धर्म के नाम पर करते हैं तो हम लोगों को मालूम हो गया कि हिंदू तो मुसलमानों की दीवी गाली है। जब ये लोगों को मालूम हो रहा है कि ये मुसलमानों की दीवी गाली है तो उन्होंने उस शब्द का उच्चारण और प्रचार करने के लिए उसका नाम लेना बंद कर दिया, उनके सामने संकट खड़ा हो गया कि फिर कौन से नाम से अपने धर्म को संबोधित किया जाए। तो फिर उन्होंने सनातन शब्द प्रचार में लाने की कोशिश की, मगर सनातन शब्द भी ये बुद्धिधर्म का शब्द है। यमक वग्ग में एस धम्मो सनातनो,
यह धर्म सनातन है। कौन सा? वैध से वैध समाप्त नहीं होता, अवैध से वैध समाप्त होता है। यह तो बुद्धिज्म के सिद्धांत के अनुसार है, बुद्धिज्म का है। तो सनातन शब्द भी उन्होंने उधार लिया हुआ है। ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मण धर्म जो ओरिजिनल शब्द है उसका प्रचार करने के लिए ब्राह्मण धर्म के नाम पर क्या दिक्कत आती है? तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर करें तो हम लोग संख्या में 3.5% में निपट जाएंगे, और 3.5% वोट के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं लाया जा सकता, सरपंच नहीं बनाया जा सकता, तो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? इसलिए बहुसंख्यक लोगों का, ज्ञानी लोगों का इस्तेमाल करने के लिए ब्राह्मणों ने पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। जब हिंदू के बारे में लोग जागृत होने लगे तो फिर सनातन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आजकल वो सनातन शब्द का उपयोग करते हैं, मगर सनातन शब्द जो है ये बुद्धिज्म का शब्द है। और सनातन क्या है? वैध से वैध शांत नहीं होता, अवैध से वैध शांत होता है। मगर ब्राह्मण धर्म तो वैधत्व पर खड़ा है। वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच है, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच है, अस्पृश्यता में ऊंच नीच है, आदिवासियों के सेग्रीगेशन में ऊंच नीच है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग ओबीसी पर थोपा जाना ऊंच नीच है, और महिलाओं को दास बनाना ऊंच नीच है। तो ये सारा का सारा वैधत्व पर खड़ा है। ब्राह्मण धर्म जो है वो वैध पर खड़ा है। तो अगर वैध पर खड़ा है तो वैध पर खड़े हुए धर्म को सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण धर्मी फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो अपने वैरत्व को मानने वाले धर्म को सनातन धर्म में छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसकी मूल वजह यह है कि इस देश में बहुसंख्यक लोगों को वोट का अधिकार मिला, और जिनको बहुसंख्यक लोगों को वोट का अधिकार मिला, अगर उनके सामने ब्राह्मण धर्म शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो फिर ब्राह्मण लोग 3.5% वोटों के आधार पर अलग से निपट जाएंगे, जिसके आधार पर यहाँ के बहुसंख्यक लोगों पर उनको नियंत्रण करना और उन पर अपना राज स्थापित करना, उन पर अपना वर्चस्व थोपना संभव नहीं होगा। इसलिए ये सारा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, अब सनातन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को इन सभी बातों से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।